अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये था ब्रेकफास्ट मेरे बेटे का, और उसके बाद में मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग, जो कि मॉर्निंग में ज़्यादातर इसी तरह से बिखरा हुआ होता है रूम। तो मैं करने लगी हूँ रूम की क्लीनिंग। और ये बेड शीट्स जो मैंने कल वॉश की थी वो भी सूख चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी, तो मैं इन्हें भी फोल्ड करके रख रही हूँ। और शहरी वगैरह हमारी हो चुकी है, और उसके बाद में मैं अलमीरा में से कोई थोड़े बहुत जो कपड़े थे उन्हें निकाल कर सेट कर रही हूँ जो बिखरे हुए थे। और ये दुपट्टे वगैरह ये सबको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें मैंने बेड के अंदर डाल दिया है, बॉक्स के अंदर। और अच्छे से बेडशीट को झाड़ के मैंने दोबारा से बिछा दिया है। और उसके बाद में मुझे डालने थे कर्टन्स, जो कि मैंने बास्केट में अच्छे से तय करके रखे हुए थे। और मैंने निकाल लिए हैं सभी कर्टन्स, बेड शीट्स। और अभी तो फ़िलहाल मैं कर्टन्स बिछाऊंगी और बेड शीट्स वगैरह मैं मॉर्निंग में ही बिछाती हूँ। तो अब मैं ये पर्दे लगाने लगी हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने सारे काम करती जाऊँगी। और कपड़े भी थोड़े से मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि कपड़े भी डेली ही हो जाते हैं। बेटा स्कूल भी जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह है और उसके कपड़े हो जाते हैं, हस्बैंड के भी हैं और कुछ मेरे भी कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें भी वॉश कर लिया था। और कपड़े मैं सुबह में ही धोती हूँ ज़्यादातर। और ये पर्दा मैंने लगा दिया है। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें बास्केट में रख दी थी, क्योंकि मुझे अभी बेडशीट क्लियर करनी थी। अभी मुझे थोड़ी सी डस्ट उस पर दिखाई दे रही थी, तो मैंने ये ब्रश ले रखा है बेडशीट को क्लीन करने के लिए। थोड़े स्मूथ इसके ब्रशेस हैं और ये काफ़ी अच्छे से क्लियर करता है बेडशीट्स को, जहाँ भी डस्ट रहती है उसको अच्छे से साफ़ कर देता है। तो मैंने उसी से इसे साफ़ किया है और फिर अच्छे से बेडशीट को मैंने सेट कर दिया है। और आजकल शहरी में भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि व्लॉग डेली अपलोड करूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं व्लॉग मैं डेली डाल पा रही हूँ। और पार्लर का भी काम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए, और मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे थे और घर के सभी काम भी प्रॉपर तरीके से होने हैं टाइम टू टाइम, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉगिंग करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ईद के बाद से इंशाल्लाह डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। और अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं रमज़ान में कम व्लॉग डाल पाई हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं लेकर आई थी अपने बेटे के लिए अंडे की भुर्जी और पराठा। और मेरे बेटे का स्कूल मिस हो गया था आज, तो इसलिए वो घर पर ही था, तो इसलिए मैं उसको पराठा वगैरह दे रही थी। फिर मैं साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही थी। और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ मार्केट में। यहाँ से मुझे कुछ लेस वगैरह लेनी थी दुपट्टे के लिए, और रील वगैरह मुझे लेनी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी। तो मैं दिन में यहाँ पर आ गई थी लेसेस वगैरह लेने के लिए, और कुछ स्टोन्स भी मुझे यहाँ से लेने थे, वो भी मैंने लिए थे। और काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे लेसेस थी और टसल्स थे और बटन थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ब्रोच वगैरह और ईयरिंग्स वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और ये वाली लेस मैंने सेलेक्ट की थी, और ये वाली लेस मैंने बाय की थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और
दिन में भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। और यहाँ पर गर्ल्स कॉर्नर था, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्स वगैरह, क्लचेस वगैरह और गर्ल्स के आइटम थे। और यहाँ पर काफ़ी सारे इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स और मेकअप की भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर। और काफ़ी प्यारा यहाँ का ज्वेलरी थी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी यहाँ पर। और मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी पहले से ही रखी हुई है, तो मैंने ज्वेलरी बाय नहीं की है यहाँ से, बट मैं कुछ लेने आई थी शायद इस वाली शॉप पर से मैंने कुछ ख़रीदा था, तो मुझे कुछ लेना था तो मैं इस वाली शॉप पे आई थी। और ये बैंगल्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर, एडी में भी थे कुछ बैंगल्स यहाँ पर, और सिंपल वाले भी थे, स्टोन्स वाले भी थे। और ये सारा मेकअप का सामान, हेयर एक्सेसरीज और आई शेडो पैलेट, फिक्सर, फाउंडेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी मेकअप से रिलेटेड, फेस वॉश, ऑयल, हैंड वॉश, शैम्पू, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये ब्रेसलेट्स का सेक्शन था, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, बट मुझे इतनी चमक धमक की चीज़ें कम पसंद है, मैं इतनी शाइनिंग वाली चीज़ें कम ही पहनती हूँ। और ये काफ़ी प्यारे प्यारे सेट्स थे, और यहाँ से मैंने बैंगल्स लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह। और आज हमने खाई थी नहारी, और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो हमने होटल से मंगाया था, आज खाना बाहर से मंगाया था। और काफ़ी सारे काम थे करने के लिए, तो आज वो बाहर से ही खाना लेकर आ गए थे, क्योंकि मैं रात में अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो 1 बज रहा है, और अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ अपने कामों से, तो इसलिए इतना लेट हो गया है मुझे एडिटिंग के लिए। और ये हम रात में गए थे मार्केट में, कुछ सामान रह गया था जो मैं दोबारा नहीं जा पाई, तो ये इतनी प्यारी एंट्री पे ही एंट्रेंस था इधर से, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था, इतना रश था यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था देखकर यहाँ पर, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर हम गए थे तो एक मेरे बेटे का कुर्ता रह गया था वो लेने के लिए गई थी, और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ख़रीदनी थी टोपी जो मैं उनको ही लेकर गई थी साथ में, और बहुत ही प्यारी सी उनकी टोपी भी ख़रीदी थी हमने वहाँ से, बट इतनी भीड़ होने की वजह से, इतना रश होने की वजह से मैं किसी चीज़ की वीडियो ऐसे प्रॉपर नहीं शूट कर पाई वहाँ पर, इसलिए कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ले लिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी लाइटिंग हो रखी थी यहाँ पर, इतनी रौनक लगी थी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मन लग रहा था। और ये टाइम हो रहा था 10 बजे के बाद, हम गए थे 10:30 बजे, और तभी भी यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे इस यहीं की शॉप से मुझे लेना था पास से ही अपने बेटे का कुर्ता, तो मैं लेने गई हुई थी, और बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाइक निकाली थी मेरे हस्बैंड ने, काफ़ी यहाँ पर भीड़ हो रखी थी, और आगे जाके और भी ज़्यादा भीड़ थी।
और ये एक लेडी कोई चीज़ें बेक रही थी, गिफ्ट आइटम भी आप बोल सकते हैं, और ये कुछ घंटे वगैरह थे और कुछ गिफ्ट आइटम थे, मिरर थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर हम आ गए हैं, ज़्यादातर यहाँ पर सूट्स का कलेक्शन है और डेकोरेशन इतनी प्यारी हो रखी थी कि ज़्यादातर सभी वीडियोस बना रहे थे यहाँ पर। और ये देखें, यहाँ पर आके काफ़ी सारी भीड़ और ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर। जितना आगे को हम जा रहे थे उतना ही ज़्यादा भीड़ वाला एरिया एकदम नज़र आ रहा था, और काफ़ी सारा अच्छा माहौल था यहाँ पर। और ये देखें, जहाँ तक भी नज़र जाती है दूर दूर तक डेकोरेशन नज़र आ रही थी, लाइटिंग, और इतना प्यारा व्यू था यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था यहाँ का। और ये बैंगल्स यहाँ पर मिल रही थी, और ये कंगन के सेट्स वगैरह थे, और इधर भी कंगन के सेट्स थे, इधर कपड़े थे कुछ रेडीमेड्स, और ये वही शॉप थी जो दिन में मैं यहाँ पर आई थी। और अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को चांद रात मुबारक हो, और इंशाल्लाह कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।